वेलकम बैक। अरे वो मैंने वाईफाई बंद कर दिया था ना, तो वो स्ट्रीम बंद हो गई थी। अच्छा जी, तो अब इसका बेबी का थोड़ा ख्याल करना है, थोड़ा ये खातिर और मदारत करनी है। टकला हमारे लिए यहाँ बैठा हुआ है इंतज़ार में। हेलो, हाय, क्या हाल है टकलू? कैसे हो? ठीक हो ना? खुश हो? चलो हाय टकलू, इधर बैठ जाओ। अरे तुम्हें तो मैंने इधर बिठाया नहीं है, तुम इधर बैठे कैसे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इधर बैठो। देखो तुम पकते भी नहीं हो। अच्छा इधर इसमें बैठो। चलो ये लो फीडर। हाँ ये लो। तुम्हारी डायपर नहीं चेंज करने का ठेका ले रखा मैंने। पहले भी तुमने मुझे बहुत डराया। एलियन इंसान? वैसे एलियन का तो बच्चा नहीं है, किसी जिन भूत का बच्चा है। कर लो तुम ये हरकतें, कर लो, तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा ना गायब हो के। बदतमीज टकले, गंदे बच्चे, गंजे। ये लो, इधर ही साफ हो जाओ। हाँ चलो, तो आवाज़ें इतनी बुरी निकालते हो, तो मैं दिल कहता है डस्टबिन में फेंक दूँ। ठीक है चलो सो जाओ। इसके लिए स्टोरी बुक ढूंढनी है। ये सारे काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर रही हूँ, ठीक है ना? तुम एक रिश्तेदार के बच्चे नहीं हो, और ना मैं तुम्हें जानती हूँ। चलो तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, द प्रिंस एंड द कैट। ये वाली कहानी सुनोगे ना? देखो शैतान के बच्चे वाली स्माइल है इसकी। आपके पास तो छोटे बच्चे नहीं आते होंगे। अरे छोटे बच्चे क्या कोई नहीं यार, रियल में तो छोटे बच्चों का ख्याल रखा जाता है, पर इस शैतान के बच्चे का ख्याल रखने के लिए ना हमें भी थोड़ा शैतान बनना पड़ेगा। आई एम बैक किंग, वेलकम बैक। अच्छा तुम्हें मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ टकले। तुम्हें स्टोरी सुनाने के लिए मुझे भी यहाँ बैठना पड़ेगा। रुको कैसे बैठूँ? हाँ ये खुद ही सुनाएगी तुम्हें, तो बस सुनो कि ये कहते क्या है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत बुलबुल? वालेकुम सलाम जी, खैरियत। आप सुनाएं। खमर का बचपन है ये, सेम। हंसो मत, चुप करके सुनो। They walked along the pretty path. Alhamdulillah, well. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made, the cat cried out. I should never have brought him here. लो कहानी भी खत्म हो गई और ये भी सो गया। Leave and close the door. Good night, baby. Watch TV on the sofa. ये काम बहुत अच्छे से आता है। अरे बच्चा क्या सोया? मुझे भी नींद आ गई। इसने उठना था, मुझे साफ पता था कि इसने किसी भी काम में हमें परेशान करने का ठेका नहीं छोड़ना। लो टकले, हाँ टकले, वही टकले। देखो यार, मैं तुम्हें यहाँ तो नहीं फेंके गई थी, सच्ची में मैंने तुम्हें सुला दिया था। तो तुम्हारा चेहरा देख के मुझे डर लगता है, तुम्हें पता है ना। जब ऊपर तुमने सुलाया था तो तुम्हारा क्या काम है नीचे आके रोने धोने का, इतना ही शौक था तो ज़्यादा रो लेते। सो जाओ। इसको कौन सा टॉय था? ये वाला लो, ये दो टकले एक ही जगह पे, ये लो। तुम्हारे से तो प्यारा ही था वो। ये वाला उठा लो, ये लो। मुंह पे मेरे मार दे, उसको क्या कर रहे हो? ये ना करो, मुझे लग रहा है ये सुधर जाओ। नहीं चाहिए तो बता दो, चली जाती हूँ, जा रही हूँ, बाय। ये लो था। नहीं प्यारे लग रहे हो मुझे, हंसते हुए ज़रा भी प्यारे नहीं लग रहे हो। मत हंसो, ठीक है ना। अब सो जाओ, ठीक है। बाय बाय। जिन के बच्चे, कृति हाय। ये किसका बच्चा है? ये जिन का बच्चा है, इसको कहते हैं जिन का बच्चा। ट्रेनिंग तो मुझे करनी चाहिए। हाँ खेल लो ये गेम, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम। प्रतीक कितने टाइम बाद आए हैं, क्या हाल है आपका, कैसे हो आप? अरे अभी से प्रैक्टिस कर रही हो बुलबुल? नहीं यार, इस बच्चे पे मुझे ज़रा रहम नहीं आता, ये जिन का बच्चा है। क्योंकि जो वैसे बच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं होते। ये कौन सी गेम है पबजी में? आओ है किधर? ये स्वीट बेबी नहीं है, ये खतरनाक बच्चा है भाई। इसको जानने के लिए ना आपको ये गेम खेलनी पड़ेगी। दीदी बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं आजकल, इसलिए नहीं आ पाता। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया। हाय आई एम न्यू वन। हाय हेलो वेलकम। चलो अब फिर टकले के पास जाते हैं। पहले लिखा है गेट बॉटल फ्रॉम फ्रिज, पहले बोतल लेते हैं यहाँ से, फ्रिज में से। अरे फ्रिज में से बोतल गायब कर लो। शैतानियाँ तुम टकले, तुम्हारी केयर के लिए आए हैं इधर, सारे काम छोड़ के पबजी छोड़ के इधर आए हैं और तुम अपनी बोतल घुमा दो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ? ये क्यों बंद है यार, ये क्यों लॉक हो गया? इसकी बोतल कहाँ गई है? अरे तुम्हारी बोतल कहाँ गई? ये नहीं, चलो भाई। डोर भी लॉक करवा दिया था, तुम तो नहीं थे यहाँ पे टकले। हुई इसकी आंखें देखी थी। तुम आंखें ना बदलो। ये लो खुश रहो बस, ज़िंदगी में अजाब मत बनो। आप ही अस्सलाम वालेकुम। आप ही जी पबजी कब खेलोगी? अभी आई हूँ पबजी से इधर यार। मारिया जट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वाओ 2K सब्सक्राइबर्स। बहुत अरसा हो लगा यार, इतने सब्सक्राइबर भी होते होते। दीदी किसी की तौहीन नहीं करते। अरे यार मैं पता है ये मैंने खेला हुआ है, ये जिनका बच्चा बहुत परेशान करता है, वैसे मैं बच्चों को तो अच्छे से ट्रीट करती हूँ, पर यार ये गेम है और जैसे उसमें ये जिस तरह की हरकतें करता है तो मेरा तो दिल करता है इसका गला दबा दूँ। कुछ खा लो फ्रीज़र में से। अरे वो अभी हम अपने खाने का बंदोबस्त करेंगे, पहले इसको तो इसकी डायपर को चेंज कर देंगे, काम रह गया है। गंदा बच्चा, देखो भाग ना जाए भाई इधर से। हाँ इसकी नैपी ने भी भागना था ना, अब इसकी नैपी को पकड़ेंगे फिर इसको पकड़ेंगे। वाह बुलबुल किंग को ऐसे नहीं बोलते, बेचारा मासूम ही तो है। नहीं ये तुम हो, किंग नहीं है, बच्चा भूखा है। अरे ये बच्चा भूखा नहीं है, ये बच्चा शैतान है। इसकी आई तो मेरे मुंह से बड़ी है। अभी देखना ये क्या करता है, ये ऐसे ही आफत मचाएगा ना। पहले इसकी नैपी ढूंढो यार, अजीब। ये तो मैं कैबिनेट बंद ही नहीं करके गई थी, कितनी आलसी हूँ मैं। छोड़ो मुझे क्या, कौन सा मेरा घर है। भाई इसकी नैपी किधर है, किधर है? शर्म कर लो। और इसकी नैपी भाग गई है। मुझे नहीं मिल रही, किसी को नजर आई थी भागते हुए जाते हुए, देखना पड़ेगा। वही ये बैठी टीवी देख रही है, कोई हाल है। ओए बर्तन मत गिराओ, कौन संभालेगा। हाँ ये काम रह गया है। किधर जाओगी? हाँ अब वो एक ग्लासेस भी लगा रही है रैपी ने। सलाम आप ही, वालेकुम सलाम दीदी जी। मेरे वालदा को डाउट हो गया है, इबादत करता हूँ इसलिए रात में देर तक जागने नहीं देती। अरे अच्छा ये बात है। अब्दुल वाहिद वालेकुम सलाम जी। अब ओए क्या कर रही हो रैपी दीदी, इसकी आवाज़ देखो यार कितना शैतान। बस कर दो, थक गई हूँ मैं। अच्छा हुआ, चलो अब टकला ना भाग गया हो। वही मैंने नहीं गिराया, खुद गिर रहे हो टकले। तुम्हारे साथ से तुम्हारी चीज़ें भी मस्तियाँ कर रही हैं। हाँ चलो सोने चल ले गंजे तकले। क्या है यार, ऐसे तो ना करो, मजाक कर रही थी। तुम इतने प्यारे हो, तुम्हें देख देख के तो हम जीते हैं, है ना। इतने स्वीट से हो। तुम्हें टिकला भी नहीं बोलती मैं, तुम्हारे तो इतने प्यारे बाल हैं शाहरुख खान जैसे। फाइंड द स्टोरी बुक एंड सिट डाउन, ये पढ़ी है। देखो तुम्हें रोज़ एक नई कहानी सुनानी पड़ती है। चलो सुनो। When the rabbit came to visit, the prince said, "Time to play." But his big red eyes they scared him. बुलबुल किंग को और कुछ भी मत कहना वरना किंग का पैम्पर फट जाएगा। अरे चुप करें, ये किंग तो नहीं, आपका बचपन है। अरे क्या हुआ, तुम्हें ना हर तरह का खिलौना चाहिए और ये मैं ही डाला के तुम्हें दूंगी ना। खिलौनों की दुकान है मेरे पास, मैं बुक क्यों फेंकी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी दूर से मैं तुम्हें कहानी सुनाने इधर आई हूँ, तुम चुप करके सुनो। टॉय ज़रूरी थोड़ी होता है हर चीज़ के लिए। Through dark corridors he chased her, hop, 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 a relentless futile flight. दीदी मोड भाई डिस्कॉर्ड पे भी नहीं आते। हाँ, मेरी भी बहुत कम ही बात होती है उनसे। Hop, hop, hop. The prince he couldn't catch her. His heart was filled with. बस करो, मैं तुम्हारी कहानी सुन के मुझे नींद आ जाएगी। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, सो गया। खराटों की आवाज है भाई, बच्चा हो के खराटे कर रहा है। खराटे खराटे, अच्छा चलो सो जाओ। इसके पास तो टॉय था, वो भी गायब हो गया। देखो उसका टॉय भी गायब हो गया। कसम से डरा दिया मुझे सैड ने, अल्लाह माफ करे। अचानक से तो ऐड मत आया करो, मेरे को पता नहीं इस बच्चे को कुछ हो गया या पता नहीं क्या हो गया। लो जी, ऐड को कैसे हटाऊँ? हट जा अबे, हट। लीव एंड क्लोज द डोर। भाई मैं तो खुद डोर में फंस गई। यार ये क्या हुआ है, ये क्या हो गया? गेम को क्या हुआ? बच्चा सोया ही रह जाएगा यार, उसको कुछ करना पड़ेगा। भाई इसको क्या हो गया है? बेबी इन येलो बंद हो गई। भाई मेरी गेम ही नहीं चल रही। अब इसको रीड करो, बुलबुल स्टोरी सुनाओ। अरे वो सुना रहा था ना, मेरा काम तो नहीं था। स्टोरी में ट्विस्ट आया गया, ट्विस्ट। दीदी मेरे कुछ फ्रेंड्स बरेलवी हैं, इसलिए मुफ्ती तारिकुल्ला मसूद्दीन रहमान अली को हेट करते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी चीज़, इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। सुन्नी बरेलवी शिया ये सब बातें ना एक साइड पे हैं, ठीक है। जो नबी पाक हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो शिया थे या शिया हैं या इस तरह। उनकी मतलब शिया सुन्नी और ये सब बातें उस फ़िरके बाद में बने हैं, ठीक है ना। तो सुन्नत पे अमल करें और कुरान और हदीस को लेके चलें। इन फ़िरकों से अपने दोस्तों भी को भी कहें कि ना पढ़ें इनमें, ये अच्छी चीज़ नहीं रहती फ़िरकों में पढ़ना। अबे यार ये क्या है? सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम मुसलमान हैं, इससे बात आगे कोई है ही नहीं। ये तो एक क़यामत की निशानी है ना कि क़यामत आने तक 40 फ़िरके कंप्लीट होंगे। तो वही चीज़ अब हमें नज़र आती है कि वही फ़िरके बन रहे हैं और फिर वो उस तरह, तो ये चीज़ होती है। यार ये कैसे हटेगा? ये तो मेरे से गेम खिला रही है। वो बच्चा सोया हुआ है, हमें उसे जगाना है। हट जाओ। दीदी कुछ फ्रेंड्स कब्र मुबारक और दरगाहों पे जाते हैं, वो चीज़ हराम है फिर भी। हाँ ये बात तो है ना। मतलब लोगों ने ना कुछ अकीदे बना लिए, मतलब है जो दरगाहों पे जाते हैं वहाँ चादरें चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्लाम में नहीं है, कहीं भी लोगों ने अकीदे बना लिए हैं। तो बस इन शॉर्ट यही कहूँगी कि जो हदीस में जो नबी पाक ने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस पे अमल पैरा हूँ। ये चीज़ें छोड़ देंगे जो लोगों के फ़िरके, इनमें पढ़ेंगे ना तो आप उलझते चले जाएंगे। क्योंकि आप अभी इस्लाम में आए हैं, तो आपको जो चीज़ें सीखनी भी है ना, तो वो कुरान और अहादीस के ज़रिए सीखें, ठीक है ना। बाकी इन चीज़ों में ना पढ़ें। ये है कि आप लोग ना जो भी हस्तियाँ हैं जो इस दुनिया से चली गई हैं, मतलब जिनकी दरगाहें हैं, उनसे दुआ नहीं करवा सकते, उनके लिए दुआ कर सकते हैं और कब्रों को सजदे नहीं कर सकते, मतलब ये सब शिर्क में आ जाता है ना। तो जो चीज़ गलत है लोगों ने उसको ना बहुत अकीदत समझते समझते ना हद से ज़्यादा तजावुज़ कर लिया है। तो फिर इसलिए भी कहते हैं कब्रों को वहाँ दुआ करने जाएं, लेकिन ये सब नहीं करने जा सकते आप उनसे। बच्चा किधर गया यार, तो बच्चे को ही भूल गई, किधर था वो। इन शॉर्ट यही है कि कुरान और अहादीस को बस पढ़ें और समझें, बाकी चीज़ें साइड पे कर दें। यार फिर ढूंढनी पड़ेगी बोतल। कहाँ थी पिछली बार, तेरी थी ना। लो अब इधर है। ओके गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। ओके वकास, टेक केयर, बाय बाय। बुलबुल अच्छा किंग सो रहा है इसलिए स्ट्रीम पर कमेंट नहीं कर रहा, उठो किंग। दीदी मैं बकरा ईद वाले दिन ईद की नमाज नहीं पढ़ने जा पाया। ओ अच्छा कोई बात नहीं। अब वो तो ये है मजबूरी है ना, अल्लाह पाक भी तो हर चीज़ हर लम्हे हमारे हर दिल के हाल हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो फिर अगर कोई इस तरह की पाबंदियां हैं जिसकी वजह से नहीं जा सके तो अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। तो आप इस चीज़ से मुतमईन रहें कि आपके दिल में नीयत तो थी ना कि मैं जाऊंगा, तो फिर नहीं जा सके तो फिर उसका अजर जो भी है अल्लाह आपको देगा। मैं इसका मुंह देखूं, हंसते हंसते से मुंह कितना बुरा बनाया है। मुझे पता है अब तो भाई नैपी भागेगी, पता था। चलो भाग जाओ, ये सब कुछ हो चुका है ना एक बार। उधर भी भागो ना, वेरी गुड। गिरा दो सारे बर्तन, तोड़ दो। अब उधर ऊपर जाओ, चलो जल्दी करो। हाँ हाँ जाओ जाओ, हाँ बुक रीड करो, जिसे भी भागो। आगे जाके तुम्हें टक्कर ही लगेगी, जाओ जाओ जल्दी जाओ। चलो जाओ उधर। हैप्पी 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 हैप्पी। मैंने अपने सीक्रेट्स अपने एक स्कूल के टीचर को भी बताया था, वो बहुत खुश हुई थी। हाँ पता है ये चीज़ बहुत हर इंसान के लिए खुशी की होती है, पता है क्या। मैं तो सोच रही हूँ जाके पबजी खेलूँ कि मुझे सर दर्द हो रहा है इस टकले से। पता है ये चीज़ प्रतीक बहुत खुशी के बायस होती है। जो भी मतलब सुनता है ना कोई दायरा इस्लाम में आता है और इस्लाम कबूल करता है, ये हमारे लिए जो मुसलमान हैं इन सब के लिए बहुत खुशी की बात होती है। क्योंकि हम यही हमारी कोशिश है ना, क्योंकि इस दुनिया में हम आए हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा हक है कि हम बाकियों को भी समझाएं हिदायत के, मतलब हिदायत तो अल्लाह की तरफ से होती है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, लेकिन जो कोशिश है हमें भी करनी चाहिए किसी को हेल्प करने में, मतलब ये तो नहीं है ना, अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। तो जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो जो भी मुसलमान होगा आपकी पूरी मदद करेगा इस मामले में कि आपको कोई उनसे हेल्प चाहिए है कुछ भी किसी किस्म की भी, वो करेगा क्योंकि उसे पता है एक चीज़ है और उसको जब कोई करता है तो फिर अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला खान। बाकी जिन टीचर से कहा है वो क्या कहती हैं, उन वो आपको क्या मतलब गाइड कर रही हैं अच्छे से, क्या है ये लो नहीं, हाँ ये वाला। अरे क्या हो गया इसको, क्यों नहीं पिक होता? ये मेरे पास नहीं आ रहा है तुम्हारा टॉय, मैं क्या करूं? ये लो आ गया, ये लो। क्या वाह, अच्छा ये लो। ये लो दीदी टीचर का बहुत इल्म है, वो सैयद है और बहुत दीनदार। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, पता आपके लिए आसानी हो गई होगी इसमें। मतलब कोई ऐसे मिलता है ना, मतलब जिसको ज़्यादा नॉलेज हो, चाहे वो टीचर की सूरत में वो है भी आपकी टीचर, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा सुनकर कि वो आपकी टीचर है और वो दीनदार है, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। टकला सो गया। टकला अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही देर कर दी अली नवाज आते आते। और डोर तो बंद ही नहीं किया। अरे कौन आ गया? ये तो क्या कर रहा है? सॉरी आप ही। अरे कोई बात नहीं, कैसे हो? ठीक हो दीदी। ऑल टीचर मैं स्कूल से पास आउट हो चुका हूँ, बस मेरे पास उनका फ़ोन नंबर था। अरे चलो अच्छी बात है। देखो ना अल्लाह पाक हमारे लिए रास्ते बनाते हैं। पता है ये जो लोग हमें मिल जाते हैं ना, ये भी एक किस्म का ज़रिया होते हैं हमारे लिए, जो अल्लाह बना के भेज देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता, कभी बंदे को कोई ऑनलाइन मिल जाता है, कभी रास्ते से कोई मिल जाता है। मतलब अल्लाह पाक ना मदद करते हैं। बस दिल में पुख्ता इरादा होना चाहिए, क्योंकि नीयत ही असल चीज़ होती है इंसान की। अगर नीयत साफ़ हो, दिल साफ़ हो ना, तो फिर अल्लाह पाक सब सही कर देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। उन्होंने जब अपनी अम्मी को बताया था, उनकी अम्मी बहुत खुश हुई थी। अरे ये हाँ ना, ये बहुत खुशी की बात रहती है जिसके लिए भी सुनने में आए ना कि कोई इस्लाम कबूल कर गया नॉन मुस्लिम, तो हर मुसलमान को खुशी होती है और होनी भी चाहिए। क्योंकि हमारा मकसद तो यही होना चाहिए ना कि हम खुद भी अच्छा अमल करें और दूसरों को भी गाइड करें और मिलकर अच्छे रास्ते पर चलें। तो ये बात है भाई। मैं सर दर्द हो रहा, मैं टकले को और नहीं बर्दाश्त कर सकती। सॉरी, मुझे पता है आगे क्या क्या सीन आने वाले। टकले ने दिमाग ख़राब करना है। बुलबुल जी आज ही टिकटॉक पे मुझे एक लाइन बहुत पसंद आई, जो आजकल स्वीडन में हो रहा है उस पर एक लाइन है। हाँ हाँ सुनाए। मैं आ गया, वेलकम बैक। दीदी वो कह रही थी वो खुद स्ट्रगल करती हैं, वो नॉन मुस्लिम एरिया में रहती हैं। हाँ ये सब तो होता है ना। फिर प्रतीक ये चीज़ें ना एक इम्तिहान होता है हमारे लिए। ऐसे माहौल में जो लोग सरवाइव करते हैं, अब देखिए हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, हम जिस कंट्री में रहते हैं आसपास सभी मुस्लिम हैं और ज़्यादा तादाद में हैं। तो जैसे मतलब नॉन मुस्लिम्स में रह के सरवाइव करना और मतलब अपने दीन को दीन पे साबित कदम रहना और ये सब करना ना थोड़ा मुश्किल भी होता है। और बंदा अगर फैमिली इंसान की घर के मतलब जो लोग हैं वो नॉन मुस्लिम हो, तो हम इस चीज़ को इमेजिन वही कर सकता है और वही उसको फ़ील कर सकता है जिस पे गुज़र रही होती है। हम तो इमेजिन भी नहीं करेंगे, तो भी हमें समझ नहीं आएगा कि अब इस सूरत हाल में तो कैसे सरवाइव किया जाता है। तो हर बंदे को ना अल्लाह पाक ने ना तरह तरह से आजमाना होता है, किसी की आजमाइश थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, ठीक है ना। और उस हिसाब से कहते हैं इंसान को अल्लाह ताला उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता और बोझ उस पर नहीं डालता। तो फिर आपके लिए भी आसानियाँ इंशाल्लाह होंगी। मैं तो आपके लिए दुआ करती रही हूँ और आगे से भी जारी रखूँगी कि अल्लाह पाक सब सही कर दे। और अच्छा लगता है कि कोई इस तरह आता है दायरे इस्लाम में। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज़ उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हाँ, आखिरी वो जंग भी होगी ना, उसका भी है। तो ये तो बहुत अच्छा शेर था। आई एम बैक, मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम हिरा, वालेकुम अस्सलाम। आई एम बैक, वेलकम बैक हिरा। वो कह रही थी कि उनको बीफ नहीं मिलता क्योंकि हिंदू एरिया है और उनको बीफ बहुत पसंद है। ये तो होगा ना। क्या कह सकते हैं, बस कोई बात नहीं। ये तो छोटी मोटी मतलब होती हैं परेशानियाँ, इनको तो बंदा कर ही लेता है। मैं तो उस दिन कुछ दिन पहले ही सोच रही थी प्रतीक, मैंने कहा वो कहाँ बिज़ी है, मैं भी आजकल डिस्कॉर्ड पे नहीं आ रही ना, तो मैंने कहा पता नहीं प्रतीक का क्या हाल होगा, कैसी गुजर रही होगी उसकी लाइफ। तो मतलब क्योंकि आप लोग जो आते हैं स्ट्रीम पे मुझसे अपनी कोई बात शेयर करते हैं, तो मतलब मुझसे इतनी आसानी से कोई बात नहीं भूलती। तो आपने इतना मतलब आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया है, तो फिर इंसान सोचता है कि भाई उसका क्या बना, मुझे दीदी बोलता रहता था, अभी नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे ही ख्याल आ रहा था 2-3 दिन पहले, मैंने कहा पता नहीं, तो आप चैट में आ ही गए, अच्छा लगा। ये तो आप पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस है ना कि मुझे ये चीज़ कभी कभी भूल जाती है। मैं कहती हूँ शायद मसरूफियात हैं आपकी, पर ये चीज़ भी तो है ना कि इतनी पाबंदियों के बाद भी आप आते हैं, हमसे बातचीत भी कर लेते हैं। ये मेरे पास स्ट्रीम नहीं चल रही है सबके पास, अरे मेरे नेट का मसला है, मैं इसलिए तो वो गेम खेल रही थी कि मुझे इनवाइट भेज रहे थे, मैं गेम में ही नहीं जा सकी। जालिम रिफ्रेश कर, रिफ्रेश क्या होता है, रिफ्रेश होता है इसे बटानों की तरह ही लिखा है रिफ्रेश। अब्दुल्ला खान, वेलकम बैक। दीदी मेरा हिंदू स्कूल था इसलिए उनमें मैम को भी बट बोध के सामने झुकना पड़ता था, वो कह रही थी। अच्छा, मतलब हिंदू स्कूल में पढ़े हैं तो वहाँ की जो मैम थी अगर वो मुस्लिम थी तो उन्हें भी मतलब सरेंडर होना पड़ता है ना बाकियों के जो हेड होते हैं उनके आगे। हाँ, ये तो होता है यार। अब कहीं रह के, कहीं जॉब करके हम अपनी मर्जियाँ तो नहीं कर सकते, ये भी है। अरे मेरा नेट ठीक हो जाए। सेम बुलबुल, नेट प्रॉब्लम, मेरी लाइट गई है और डेटा पे बहुत आई है पिंग। अरे मेरा तो नेट भी, लाइट भी नहीं गई, नेट को पता नहीं क्या है। या मैम मुझे कब से लिख रहे हो प्रतीक, मैंने कहा था मुझे मैम क्यों कहते, दीदी कहा करो, दीदी अच्छा लगता है। मम्मी ज़बरदस्ती जब भी करवाती हैं तो मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ लेता हूँ। हाँ ये तो अच्छी बात है, पढ़ लिया करो, वैसे भी जिक्र करते रहा करो ना, आसानियाँ होती रहेंगी आपके लिए। बाकी ये आपकी एक फैमिली है इधर, आप आया करें, आपको कोई भी बात हो, कोई भी मतलब चीज़ पूछनी हो, कुछ भी अपने दिल की बात शेयर करनी हो मुझसे चैट में अगर करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। अब घर की तरफ से प्रेशर है वो तो अलग है ना, उसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको खुद ही हिम्मत अपनी बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये चीज़ अब पता है कि जब कोई ना दीने हक पे या सीधे रास्ते पे चलता है ना तो रुकावटें आती हैं, लेकिन वो रुकावटें एक हद तक ही रहती है, मुस्तकिल कोई भी नहीं होती। तो जब कहते हैं ना मुश्किल के बाद आसानी है, तो ज़रूर इतनी मुश्किलात आपके लिए आई हैं तो अल्लाह पाक ने इसका अजर भी बहुत रखा होगा आपके लिए, और हो सकता है अगर इस जहान में आपको वो अजर मिलता नज़र ना आए, हो सकता है आपको सब छोड़ दें, आपको और भी ज़िंदगी में मुश्किलात हों, लेकिन उसका अजर उस जहान में भी मिल सकता है ना, वो तो मिलेगा भी, क्योंकि यहाँ ये तो परमानेंट नहीं है, उधर ही सब कुछ है, तो ये सही है। मैं मेरी तरह आपने भी चोरी का नेट लगवाया? अरे नहीं नहीं, मेरा नेट इशू करता है, चोरी का नहीं, अल्लाह माफ़ करे, चोरी का नेट का मैं क्या करूँगी, तोबा तोबा इस्तगफार। बुलबुल राइट, मुझे एक दिल की बात शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलें तनवीर राजपूत। क्या करवाती हैं आपकी अम्मी आपसे प्रतीक? वो मतलब कि अपने रिलीजन के हिसाब से चीज़ें करवाती हैं वो कह रहे हैं, या सख्ती करती हैं खाना पीने में, क्या मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? किंग किधर ही हो? हेलो किंग, हाय। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चल रहा है नेट के साथ? हंसी मजाक, लुक्का छुपी। अच्छा मैं इसको बट बट पढ़ रही थी, ये बुत लिख रहे हैं। यस मैम, बुत की इबादत और रोज़ दाल खाने में। अच्छा बुत लिख रहे थे कब से? हाँ तो आप ना देखिए, आपके दिल में जो चीज़ है वो तो है, कोई आपकी नीयत तो नहीं बदल सकता ना, तो आप ना बुत की इबादत आप नहीं करना चाहते तो आप ना करें, आप पे क्या वो ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकती ना। आप उनको दिखाने के लिए वैसे मतलब एक्ट कर सकते हैं, लेकिन ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट उनको दिखावे के लिए कर लें, मतलब दिल से तो नहीं है ना वो चीज़, तभी मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ कर लेता हूँ। अरे माशाल्लाह से आप तो बड़े समझदार हैं, इस लिहाज से भी अच्छी बात है। अरे आप वो पढ़ा करें ना, शहादत का कलमा पढ़ा करें, क्योंकि उसमें है ना कि अल्लाह के अलावा हम किसी को उसका शरीक नहीं बनाते, क्योंकि बुत परस्ती जो है वो एक किस्म की शिर्क है ना, तो वो भी पढ़ लिया करें। बाकी अल्लाह तो दिल के हाल जानता है, इसलिए अल्लाह पे भरोसा रखें। बुलबुल भी अल्लाह अकबर पढ़ के ना 4 बंदों में रश करने चली जाती है। अरे किंग आप भी ढूंढोगे तो सुकून मिलेगा खुद में, दूसरों में तो सिर्फ उलझने मिलेंगी। हाँ ये तो है। मैंने स्ट्रीम ही ऑफ कर दी, नेट नहीं चल रहा। देखो इसका भी नेट इशू कर रहा है। हाँ ना मेरी भी लाइट गई है, नेट में जल रहा। मैं डाटे पे एंड डाटे पे एमएस आई है। देखो इरा को अब समझ आ गई है, लिनवाज से सॉरी कर रही है। मैं ही कह रही थी दोनों सुलह कर लो, दोनों एक दूसरे के लिए खास बनो, ठीक है ना। आप ही आज खम्मे का कर दें, कल मैं दूसरा लाऊंगा। क्या कर दें? आपने कौन सी बात करनी है तनवीर राजपूत, आप कर सकते हैं। दीदी नारे तकबीर पढ़ के एक 1v4 क्लच, नारे तकबीर। अरे बता, ये तो है जब एनिमी सामने आता है तौबा अस्तगफिरुल्लाह ये तो मेरे मुंह से वैसे भी निकलता है। अच्छा, कुछ लोगों की आदतें होती हैं ना, वो गालम गलो शुरू कर देते हैं, हमारे मुंह से चुपकर यही सब निकलता है। देखिए आप लोग लाइफ में ये मतलब बना लें, आपसे आवाज भी निकलती है, आपके मुंह से जुबान भी निकलती है। हाँ जी, मैं भूत भी बहुत बोलती हूँ, एलियन भी बोलती हूँ, और मैं ये नहीं कहती हूँ। बुलबुल पिन, अब इसने क्या लिखा है, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो, और साथ में कुछ नेक्स्ट लेवल की शर्म भी करो। थैंक यू। ये देखो, अच्छा अली नवाज कह रहे थे कि आज खमर का कर दे, मतलब कमेंट का कह रहे थे कि पिन कर दे। ओके, मैं समझ गई। वही ये शर्म का इसने एंड पे लिखा है, कोई अभी आएगा न्यू तो कहेगा देखो कैसे लोग हैं, हमसे शर्म करवा रहे हैं, हम एक तो लाइक करें, हम शर्म कहाँ से करें। लाइक करो, शेयर करो और शर्म करो, वो शर्म का ऑप्शन ढूंढने लग जाएंगे इधर। यार क्या करते हो, मेरे दिल की इतनी जगह कैसे आ जाती है, हर लड़की आ जाती है दिल में, कोई सॉल्यूशन प्लीज़। हाँ, अरे दिल में कोई जगह नहीं आती, वो शैतान है जो तुम्हें वर्गलाता है, ठीक है ना। तुम जगह दिल में लड़कियों के लिए बनाते हो, दिल में खुदा को रखो, ठीक है ना। मेरी मानो तो छोड़ दो उनको जो कहते हैं तुम ज़रूरी हो, अगर ये ज़रूरत भी पूरी हो गई तो बोलेंगे तुम मजबूरी हो। अरे वाह, नहीं आप ही वो दूसरी बात पर कह रही हैं, वरना इसने करना था नहीं। बस क्या ही कहूँ, इसके कोई नहीं, बस जितना समझता हूँ इससे उतना नहीं समझती। कोई बात नहीं अली नवाज़, हीरा बहुत अच्छी है, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, बस उन्हें अपनी बात मनवाना अच्छा लगता है, तो उन्हें ज़िद करना अच्छा लगता है, और वो थोड़ी हसास होती हैं, बाकी बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कहते हैं ना, लड़कियों को भी समझना चाहिए यार, उनके इमोशंस को समझो, उनकी फीलिंग्स को समझो, ठीक है। जमसम हाय, हेलो जी, क्या हाल है। सॉरी दीदी, पीसी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया था, विंडोज़ अपडेट आ गया था, इसलिए 2 मिनट्स के लिए चला गया था। कोई बात नहीं शैतान, आई लव यू यार। फिर अरे तौबा करो, शैतान से प्यार कर रहे हो, अल्लाह माफ़ करे। मजाक में भी शैतान को इतना प्यार मत दो। इसने शीशे में कमर को देख लिया पक्का। कभी टगलू बच्चा खमर बनता है, कभी ये। वो तुम्हें कह रहा था कि वो तुम हो भाई, दोनों एक दूसरे के अच्छे नाम रखते हो। रालम वापस वेलकम रिजवान। अरे सबको शर्म करवा करवा के खमर खुद नहीं शर्म करेगा कभी भी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जमजम। बहुत अच्छी होती है, मैंने मान लिया, बट कुछ समझाएं, अगर कोई बंदा तो समझना चाहिए, कोई वजह से ही बोलता है, पर ये नहीं समझती। देखिए लड़कियां सब समझती हैं, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है अपनी बात को दूसरों को समझाना, तो पहले उनकी बात समझ लिया करें, फिर उनको अपनी बात समझा दिया करें। और लड़कियों को ये कहना चाहिए कि तुम ही ठीक हो, हीरा की बात। हाँ, स्टार बोटे आई लव यू लिखा है तनवीर राजपूत ने। साउंड्स क्या हुआ, साउंड्स देखो अली नवाज, हीरा तुम्हें इतने प्यार से सॉरी बोल रही है, अब ज़्यादा नखरे नहीं दिखाते। नखरे क्यों करता है तनु जचदा नहीं, इनने सवाल क्यों करता है जिन्ना ओ सुनदी नहीं। देखो किंग, मैंने पंजाबी सीख ली है। मेरी पंजाबी को कितने मार्क्स दोगे 10 में से? 10। अरे पता है मनप्रीत जी के सामने पंजाबी ऐसी भूली है ना, मैंने कहा रुके रुके सोच के बताती हूँ। एनिमी में बीच में आ गए थे। लो 10 में से 1। अरे तोबा तोबा, एक यार वो रिजवान खान 10 में से 3। अरे ओ भाई 0.01 आउट ऑफ 10। वाह इतनी बेइज्जती हो रही है चैट मेरी। मैं क्या एवं ही कह देता कि मेरी पंजाबी कितनी वधिया है, ए सारे मेरी पंजाबी नू डिग्रेड कर रहे ने। ओ गल सुनो, जब मैं पंजाबी बोली ना तुसी अत्तर बत्तर तत्तर हो जाना है इथों, ठीक है? ओही कहते ने ना, तत्तर बत्तर तितर-बितर हो जाना है। तितर-बितर हाँ? हाँ। तितर-बितर और ही कहते तितर-बितर हो जाओगे तुसी ना करसो जी बुलबुल जी। मैं की कीता, मैं की नहीं बोला चाह। मैं की कीता, मैं कुछ नहीं कीता, मैं तो ठीक ठाक बोली पंजाबी। 10 10। अरे जमजम बड़े दिल वाले, देखो ऐसे होने चाहिए हैं आप लोग। अगर टीचर बन जाओ तो बच्चों को फेल कर दो जो 10 में से 1 और 0.01 मार्क्स दे रहे हैं। खुले दिल के हजरात बनिए। देखो ना मैं 10 में से 10 मिलेंगे पंजाबी में। शुक्रिया दीदी। नेक्स्ट मंथ मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा मम्मी से। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम पंजाबी हैं, हमसे पंजाबी की बेइज्जती नहीं देखी जा सकती। अरे बेइज्जती थोड़ी कर रही हूँ मोहतरम। बस बस बुलबुल आपने अपनी लैंग्वेज भी भूल जाएगी। बुलबुल जी तानू पंजाबी सही नहीं आंदी। मैं थोड़ी दिन पहले तानू एक पंजाबी शेयर सेंड की तासी तुसी ओ सही नहीं पढ़िया। अरे मैं पढ़िया सी और दी स्पेलिंग गलत सी ना। आपके पंजाबी टीचर बुला लिया मैंने बुलबुल। अरे नहीं ओखी पंजाबी नहीं बोल देना। मैनू नेक्स्ट लेवल दी पंजाबी ओ छड़ देओ जी, छड़ देओ। मैनू मत सिखाओ कि कहने आते कि नहीं कहने आए, ठीक है ना? बच्चों को खुश करने के लिए 10 में से 10 मिलते हैं। अरे ये तो कहीं नहीं होता। बच्चों को फेल किया जाता है ताकि वो और मेहनत करें। बदला बदला सा मिजाज है, क्या बात हो गई? शिकायत हमसे हो गई या मुलाकात किसी और से हो गई? जालिम के आजकल के शेर चेक करो। देखो नहीं नहीं आशिकी सीख तो नहीं आई है। जालिम के दुख मैं जानता हूं। जालिम क्या था, पार्क में किसी लड़की से मिलने वो बाद में लड़का निकल आया। ये बात करता रहा सारी रात जिस सना से, सुबह पता चला वो सनाउल्लाह खान था। अरे अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो तुसी आ रही? वालेकुम अस्सलाम। तुसी की कहंदे हो? किंगू हंस रहे आ जी। तुसी पंजाबी फिल्म देखे करो फिर थाड़ी पंजाबी सही हो जाएगी। और पंजाबी फिल्म जो कहंदे ओए मैं तेनू छड्डांगा नहीं ओए। एनिमी को नॉक करके ऐसे ही। अरे वो मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता है। अरे मोले नु मोले नहीं, अरे मोली जाता है। ओए बुलबुल नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता है। ओए बुलबुल नु मोली ना मारी और बुलबुल नहीं मरती। ओए चलो ता मैं बता तो बोली लगाओ। ओ मैं तेनु छड्डांगा नहीं ओए। और क्या कहते हैं? मुझे 3-4 डायलॉग बता दो, वही बोल लिया करूंगी। खबर से लेकिन वहाँ के हॉस्टल में एक रूम में 3 लोग रहेंगे, सलाह में दिक्कत आएगी। कोई बात नहीं, वो थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है सलाह के लिए। आप पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह, आप कर लीजिएगा मैनेज वहाँ जाके। ओए ओए किथे छुप के बैठ गया है? ओए बैठ गया है। बे बे बकरा नहीं जिसमें बोलता है बे, वो वाला बे। ओ मैं तो नहीं आंदा ऐसे बकरा क्या लिखा ली नवाज ने सच हो गए ओ यस मंदी नवाज सच हो गए आवाज मार क्यों दी तेरी सच हो गए एक दफा नहीं आपने आई थिंक 20 दफा से ज्यादा बोला है इसे बट क्या बोलूं मैंने इसको भी उतने ही दफा बोला है जितनी दफा सॉरी बोला है इसने मैंने भी बोला है नो प्रॉब्लम हाँ बस सही है सुलह कर लो यार मैं तो यही चाहती हूँ चलो यार गेम दीदी वो गेम खेलते हैं हिंदू है इसलिए कह रहा हूँ तो देखिए मेरी बात सुने अगर वो हिंदू भी हैं तो उनका अपना मतलब होगा ना सिस्टम अगर वो आपको मना तो नहीं करेंगे ना जो रूममेट्स रहते हैं आप सब अपने अपने काम से काम रखते हैं आप अपने लिए ना अपनी प्राइवेसी खुद क्रिएट कर लीजिएगा वहाँ पर ठीक है ना थोड़ी सी जगह चाहिए होती है जाए नमाज के लिए तो वो भी अरेंज कर लीजिएगा दीदी मेरे घर में बता देंगे इसलिए आज तो मैंने सोचा ही नहीं आज कोई गाना ही सुना दें आप ओ मौला मेरे ये कुछ नहीं गान दिए बहुत सारी पिछली गेम में ऐड आया इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी सही हमें कमेंट में रिप्लाई भी क्या करो पागल हाँ हाँ आपकी वॉइस बहुत नाइस है थैंक यू जी वही मूवी जिसमें शान 500 गोली लग जाती है फिर भी वो जिंदा रहता है अच्छा मैंने ये सुना था मैंने ये मूवीज वगैरह नहीं देखी पंजाबी को जलील करना बंद करो इंग्लिश को पकड़ो अरे पंजाबी बोल के अच्छा लगता है ना पंजाबी बोलने दो मनु हमारी मादरी जुबान है यार ओ देखो प्लेन होना पे और ज्यादा नहीं है आप ही रात को मैंने हिरा और किंगू को रील्स भेजी है ना इनको तंग किया अरे हाँ हाँ आप लोगों को पता है जैसे स्ट्रीम से ये लोग मुझे अल्लाह हाफिज़ करते हैं इधर स्ट्रीम बंद हुए हुए 5 मिनट नहीं मतलब 2 मिनट भी ना 1 मिनट बोल लो ना गुजरा नहीं होता और ये लोग ना मुझे रील्स भेजने लग जाते हैं इधर मुझे कहते हैं अच्छी-अच्छी चीज़ें भेजते हो यार पता है उधर कहते हैं बुलबुल सो जाओ गुड नाइट और साथ ही रील्स भेजने लग जाते हैं तो मेरे नजदीक तश्कील करो हाँ? हम तो जागरूक हैं आपकी तबीयत खराब होती है इसलिए हाँ यही बात है हाँ। हम तो लेकिन मीम्स वगैरह भेजते रहते हैं हंसाते रहते हैं वो भी है ठीक है अपनी जगह से वो ये तो बंदा आया है कल से जल्दी गेम बंद करेंगे हम रील्स देखा करेंगे अपना एक रील्स वाला ग्रुप बना लें अरे देखो आया है यार ये किधर से आया है इसको मारो 2 नॉक है इसे बचाने आ रहा है यार कोई आ जाओ कसम से रिवाइव कर रहा है उसको यार नहीं ना दूसरा भी उधर ही जा रहा है रिवाइव होने यार मेरी समझ में मेरे सामने 2 बंदे रिवाइव हो रहे हैं इधर यार रिवाइव हो गया एक बंदा मारो इसे ये जुल्म है किंग जल्दी आओ यार नहीं ना अरे आप भी आओ हारिस जल्दी आओ 2 नॉक है अरे हारिस उससे मारो यार हारिस उधर नॉक है उसको पूरा करो क्या करूंगा इधर आने पे साथ में को बंदे मार रहे हैं उसी से चल उसको मुझे भी बचाएं भाई डे पर हील पहले कंफर्म कर ले 1 किल मिला है मुझे यार 1 किल जस्ट 1 किल मिला है बुलबुल किसकी नजर लग गई आपको अरे कोई बात नहीं मैं इससे नहीं कह रही कि मुझे रील्स भेजते हैं तो मुझे बुरा लगता है मैं जस्ट वैसे ही बता रही थी कि ये लोग भी जाग रहे होते हैं इनका भी यही रहता है कि ऑसम थैंक्स ओए कोई मनुष्य उतर गया है तो यार इसको मार देते मुझे छोड़ देते रे भाई साउंड तो आ गया था मार मार मिलका मार दीदी वहाँ पर एक अच्छा सा सॉफ्ट मसाला खोपड़ी ले लूँगा। हाँ वो सब सही है, बाकी ऐसा ऐसे आप अपने रूम मैच रखिएगा ही नहीं ना, जो आपको जानते हो, जो आपके घर बता दें, ठीक है? हो गया नहीं यार, देख लेना कौन होता है साथ। बाकी हाँ जो भी सही है आप सोच रहे हैं अपने लिए करें, जो भी होता है थोड़ा बहुत। गुस्सा आ रहा है मुझे, इसको मैं मारूंगी जाके, इसकी छतरी में। गुस्सा नहीं दिलाओ नहीं तो रोने लग पड़ेंगी। अरे नहीं रोते हैं मेरे दुश्मन। आ रही हूँ इसको दिलाने। हाँ हाँ मैं मोलिया तू की समझा, बुलबुल मर गई। ओए मोला किधर गया है? मोला वो गया हुआ है, वो एक मोला इधर फैल रहा है। इनको बोले ओ मोला टीटो पार्टी ना ला, एक मोला इधर ही कहीं है यार। ओ मगरू ले जा मोलिया। बचा लो, बचा ले रे। वही दो बंदे। Watch out. तो हमने भी किसी को मार दिया और हमें भी किसी ने मार दिया। यार मेरे दोस्त बढ़िया लेट आए हो ना, वाह। अरे उसी ऐसे नहीं चलाते। मिल जाए तो कदर नहीं करते, वरना मुखलिस दिलों को तरसते हैं लोग। मैंने तो पहली दफ़ा भेजी थी, सोचा आप ही से पूछता। हाँ मुझे अच्छा लगा था, कोई बात नहीं, रील्स का कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ जालिम की बात कर रही थी, मतलब इतनी रील्स भेजता है यार, मैं क्या बताऊँ। 20 से 25 रील्स आती है उसकी मुझे, और ये सिर्फ रात के वक्त 3, 4, 5 बजे रील्स भेज रहा होता है। और एक दफ़ा तो सुबह के 7 बजे मैं देखा तो रील आई हुई थी, मैंने कहा किसकी है, तो देखा जालिम रील्स भेज रहा है। पता नहीं ये सोता नहीं है क्या है। मैं भेजता हूँ हैवी वाली रील्स, हाँ ना। मैंने कहा इसका क्या इतना शौक पड़ गया है। बोटी, अरे यार बोटी नहीं यार, मेरा तो सामने 2 बंदे थे यार, और हेल्थ भी बहुत लो हो गई थी, रश नहीं करना चाहिए था। पर वो कहते हैं ना मोलिया। ये पंजाबी के सारे चक्कर में मरे हैं। सलाम दुआ, वालेकुम सलाम दुआ, क्या हाल है? किन बजे चले? बुलबुल रिवेंज कराई इन द कॉर्नर। जाओ जाओ, 2 किल करके आई। पोइट्री आप ही? हाँ मैंने पढ़ी आपकी पोइट्री। मैं अच्छी रील्स भेजता हूँ, स्टार बोटे से पूछ सकती हैं आप। हाँ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इनको? हम किंगू बोलते हैं, अब से ये बुलबुल हो गई है। यार ये रील सेंड कैसे होती है? मैंने तो इस पे चलाई थी, मुझे नहीं पता। अरे वहाँ पे सेंड का ऑप्शन आता है, शेयर करके। हाँ चलो आपको आज इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं। अच्छा मेरी शक्ल तक क्या हंसना नहीं? अच्छा बाकी खैर मेरे नहीं, क्यों शक्ल पे क्यों हंसना? ओए शटल दे तो सनी, शटल दे तो डरना नहीं थे आपस, इट्स लड़ना नहीं। बुलबुल में वाओ लिखा है या मैं आऊँ? अरे जरूर आओ। पता है अभी तो ये लोग आए हैं ना, तो मैं आपको ऐड करती हूँ, ठीक है? थोड़ी देर तक, तो थोड़ी देर चैट से रुक जा सोनिया। गुड लक मेट्स। बेबी जा तो ऐसे ही था। I need a weapon. अगर हम शायद भाई की अच्छा ले। चलो एक शेयर लिख दो, अच्छा सा प्यारा सा YouTube शेयर लिखो। मेरा नाम नाइट में सही है। आज हुनैन नजर नहीं आ रहा। हुनैन बड़े लोग, बहुत ही बड़े लोग हैं हुनैन तो। YouTube बाबा आज कोई सिखाने जमाने का नहीं, कोई 1990 के कितना बड़ा है कोई। मैं रूम पोस्टपोन है, मैंने कहा ना दुआ इंशाल्लाह संडे को खेलते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके प्रतीक, अल्लाह हाफिज। खुश रहे, आबाद रहे, जीते रहे, मुस्कुराते रहे। और साबित कदम ने सामने तेरा लाइव खलील में तेरा आसमान सही है ना केड़ा। मेरा कमेंट अली नवाज ने क्या लिखा है? रॉयल पास वाला बंदा नहीं आया फिर दोबारा वापस। वैसे मैंने सोचा आप ही को भेजता हूँ, सुबह देखेंगी आप। वो तो नहीं आया, उसको पता है इधर बंदे ज्यादा हैं। मैं जल्दी सोती थोड़ी हूँ, हम सीरियस हो जाए। हमने अरे वो पता क्या कह रहा था एंगल में, फिर कहता है कि आप 5 किल्स करें आपको यूसी सेट कर। सैली नवाज ने अच्छा जवाब दिया था, कहा था यूसी और रॉयल पास नहीं हम ले लेंगे खुद ही, आप लाइक कर देंगे। बहुत अच्छे बुलबुल आइस से मारने वाले भी नहीं बचते हैं। 19 हो